सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास स्लीव है, आपको नजर आ रहा है, ये स्लीव है हमारे पास कटी हुई है, क्वार्टर स्लीव बनानी है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो कम है। अब मैंने बनानी है लंबी स्लीव, तो इसकी लेंथ कम है, तो इसको लंबा कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव कर देते हैं, बॉटम का कपड़ा लगाएंगे या फिर मैचिंग कोई भी कपड़ा लगाकर इसे हम बनाएंगे। तो इसको मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास स्लीव है, ये 15 इंच है, तो आधा इंच ऊपर से भी चला जाएगा, आधा इंच नीचे से भी चला जाएगा, ये 14 इंच के करीब रह जाएगी। लेकिन जो मुझे स्लीव बनानी है वो थोड़ी लंबी बनानी है, तो मैंने ये बॉटम का कपड़ा लिया है। बॉटम का कपड़ा मैंने 3.5 इंच ले लिया है, जैसे कि 15 है तो ये मैंने 18 रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम 3 इंच कपड़ा लेंगे, लेकिन आधा इंच सिलाई के लिए भी लेंगे। तो 3.5 इंच हमने ये वाला कपड़ा ले लिया है, और इस कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने ली है, थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली है क्योंकि बाद में हम कट कर देंगे, ये भी मैंने 17-18 इंच ले ली है। तो इसके नीचे मैंने ये पेपर लगाया, फ्यूज पेपर। तो अगर आपके पास फ्यूज पेपर हो तो बेटर है, नहीं तो आप कपड़े को डबल कर सकते हैं। तो फ्यूज पेपर मैंने पूरी 3.5 इंच की पट्टी कट कर ली और इसके नीचे फ्यूज पेपर चिपका लिया। इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लेते हैं इस तरह, और इसे हल्का सा यहाँ पे कर्व देके कट करेंगे इस तरह। अब हम यहाँ से हल्का सा कट करते हैं ऊपर से, और यहाँ पे कर्व करेंगे 1 इंच का। इस तरह आ गया, ये कर्व हो गया हमारा। अब हमने स्लीव का डिजाइन बनाना है। पहले इसके ऊपर मैं पाइपिंग यूज करूंगी, बहुत इजी डिजाइन है, आप कोई भी मतलब इसे बना सकता है, कोई टिपिकल वाला डिजाइन नहीं बता रही हूं मैं। ये पाइपिंग है इसकी जो इसके नीचे लगानी है मैंने, ये मैंने डोरी वाली पाइपिंग बनाई है। तो इसको बनाने का जो लिंक होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसे कैसे बनाया जाता है। ये डोरी वाली पाइपिंग है, इसे हम पहले थोड़ा सा यहाँ से बराबर कर लेते हैं कि कम या ज्यादा है। तो अब हमने इस डोरी को इस तरह रखना है, जितनी हमने सिलाई लगानी है उतना ही हम नीचे कपड़ा छोड़ेंगे। और मैंने सिंगल फुट यूज किया है, अगर आपके पास सिंगल फुट नहीं है तो डबल से भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे आपने अब ऊपर की तरफ थोड़ी सी पाइपिंग एक्स्ट्रा छोड़ लेनी है, और जितना आपने सिलाई में मार्जिन देना है, आधे इंच से भी कम का मार्जिन होता है सिलाई में, पैर का बोलते हैं हम लोग। तो ये जो सिलाई लगेगी अब इस तरह लगेगी, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मार्क करके इस तरह लगेगी, ठीक है जी। इस लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब धीरे धीरे सिलते आएंगे और कर्व देते जाएंगे। अब हमने इसे इस तरह हल्का हल्का फोल्ड करना है, जिस तरह गोलाई आ रही है उसी तरह हम हल्का हल्का फोल्ड करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। बाद में इसको हमने कट लगाने हैं, ये गोलाई में बाद में लगाएंगे वो, तो पहले हम इसको सिल लेते हैं। ये जो पाइपिंग रख के हम लगा रहे हैं वो सीधी साइड लगा रहे हैं। ये लीजिए, एक साइड हमारी पाइपिंग लग चुकी है। मैं पाइपिंग थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा रख रही हूँ, वो हम बाद में कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरह, ये जो कर्व है इसी कर्व के इतना कपड़ा छोड़ना है और सिलाई लगानी है। अब हम ये वाला दूसरा हिस्सा भी इसी तरह सिल लेते हैं। यहाँ पे कोना नहीं बनाना आपने बिल्कुल भी, गोलाई होनी चाहिए प्रॉपर जैसे हमने कट की है। अगर कोना बन गया तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये इस तरह हमने लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, जो ये पाइपिंग है ये उठ रही है ऊपर की तरफ, तो इस पे हम कट्स लगा देते हैं, जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो जब ये इस तरह हो जाएगा, ये देखिए, ये फिर इसको मैंने कट लगाया तो ये नीचे की तरफ हो गया। ये देखिए, इसका उठ रहा है ना ये ऊपर की तरफ, तो इसको हमने जब कट लगाने हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। 3-4 कट आप गोलाई में लगा दीजिए।
ये देखिए, ये इस तरह नीचे हो जाएगा जब आप सिलोगे। अब हमने दूसरा कपड़ा इसके साथ का ही लिया है, जो हम शर्ट इसके बाजू के आगे डिजाइन बना रहे हैं, सेम वही कपड़ा मैंने लिया है। अब ये कपड़ा आप सीधा होना चाहिए और ये उल्टा होना चाहिए। आप इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, अब हमने सिलाई बड़े ध्यान से लगानी है, नीचे पाइपिंग का कपड़ा नहीं जाना चाहिए। चेक करके इसे अच्छी तरह, ये वाले कपड़े को हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह। इस तरह हमने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे कट कर लेंगे इस पाइपिंग के ही बराबर में इस तरह। ये देखिए इस तरह कट कर लिया। अब यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगा देते हैं क्योंकि हमने इसे फोल्ड कर लिया। कट लगाए और इसे हमने अब इस तरह फोल्ड किया और ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये पाइपिंग लग गई है। और इसे पहले आप एक बार प्रेस जरूर करेंगे क्योंकि ये आपकी पाइपिंग दोनों साइड से अंडरग्राउंड है। आप किसी भी साइड से इस कपड़े को यूज कर सकते हो, चाहे ये वाली साइड ले लिए चाहे ये वाली साइड ले लीजिए। मैंने बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर नहीं यूज किए हैं, कलर मेरे थोड़े से लाइट हैं। आपके पास अगर ज्यादा आपने थोड़ी फास्ट कलर की मैचिंग करनी है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ टॉप पे एक सिलाई लगाइए आप, फिर इसको एक बार प्रेस कीजिए। प्रेस के बिना इसे शुरू ना करें लगाना क्योंकि फिर फिनिशिंग नहीं आती है प्रेस के बिना। अब ये हटा देते हैं। अब ये वाले पीस को भी इसी तरह सिलते हैं, इसे इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। और ये कपड़ा आपने इसका ध्यान रखना है, पाइपिंग वाला कपड़ा हमारा अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। एक बार मैंने बनाया था, ध्यान नहीं दिया, वो अंदर की तरफ चला गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार, क्योंकि जो गलती एक बार मेरे से हो गई है वो आपसे ना हो। इस तरह बाहर की तरफ रखेंगे कपड़े को। अब हमने सारा कट कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब यहाँ पे कॉर्नर पे कट लगा के इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। आजकल जो कपड़े आ रहे हैं ज़्यादातर, वो उनमें स्लीव नहीं निकल पाती है क्वार्टर, तो दिक्कत होती है। और क्वार्टर स्लीव का आजकल ट्रेंड है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर करता हूँ। ये लीजिए, ये अब रेडी है। अब हम इसे दोनों पीसीस को पहले प्रेस कर लेते हैं। अब मैंने दोनों पीसीस को इस तरह प्रेस कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह इस तरह सेट आ गए हैं। देखिए इनका सामने का हिस्सा बिल्कुल सेट है। अब इसे हटाएंगे और ये जो है हमारे पास स्लीव है उसका हमने इस तरह नीचे का सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद इस स्लीव को हम इस तरह रखेंगे और एक पीस लेते हैं, कोई भी ले लीजिए। आपने फिनिशिंग देख लेनी है कि साइड है, उसको आप ऊपर रखोगे, मतलब ये वाली साइड ऊपर आनी है आपकी, नीचे वाली ये वाली ये ऊपर आएगी। अब इसे कट पे रखते हैं, इस तरह इसको सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए सेंटर में आ गया है, ये जो मैंने कट लगाया था उसके बिल्कुल बराबर आ गया है। अब हम दूसरा पीस रखेंगे इसके बराबर। ये जो आपकी लंबाई है ये आपने बराबर रखनी है पहले, और ये पाइपिंग बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए, मतलब ऊपर नीचे ना हो। यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई डबल कर दो, उसके बाद फिर चलो इस तरह। अब अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन है तो पहले इसे इंटरलॉक कर दीजिए, अदरवाइज इसको इस तरह फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद हमने इसको इस तरह सिल देना है। ऊपर की तरफ करके ये लीजिए, ये हमारी स्लीव का डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसे इस तरह रखना है।
और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है, और जो ये स्लीव होगी वो हमारी इस तरह आगे आ जाएगी और बहुत ही प्रिटी लगती है ये पहनी हुई। मेरे 2 सूटों में है ये वाला डिज़ाइन और जब भी मैं पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर मेरे सूट का डिज़ाइन देखकर काफ़ी बनवा के लेके जाते हैं, तो उनको भी बहुत पसंद आया ये। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।